डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के 8 टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए होंगे। अगर एक दो टॉपिक्स रह भी गए हैं तो भी टेंशन नहीं लेना है, इसे आने वाले दिनों में आप कल परसों प्रयास करें कि ये कंप्लीट हो जाए, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर ये बचे रह जाएंगे तो फिर हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए और तब एग्ज़ाम में आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। साथ ही जो भी टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं वे ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें, इससे हमें भी पता चलता है और अच्छा लगता है कि आप इतने सारे वर्क्स और ड्यूटी के बाद भी इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वर्किंग क्लास के हैं, बहुत सारे दूसरे तरह के लोग हैं, जॉब करते हैं, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और तब भी ये टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि इसके बाद कुछ घंटे के बाद आपका एक टेस्ट भी आएगा जो आपके इस 8 टॉपिक्स के पढ़े हुए टॉपिक पर आधारित होगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपने इसे कैसे पढ़ा है। चूँकि अब चांसेस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक बात ध्यान रखें, हो सकता है कि प्रश्न आपके गाइड बुक से सीधे तौर पर नहीं मिल रहे हों, तो आप ये ना सोचें कि ये प्रश्न तो बाहर से हैं, सिलेबस से ही बाहर हो गए। नहीं, उसे आपको बनाना होगा। 3 तरीके लगाकर ये प्रश्न बन सकते हैं। आपको छठी इंद्रियां, अपने सिक्स्थ सेंस को लगाना होगा, कॉमन सेंस लगाना होगा या फिर आउट मैन आउट करना होगा। प्रश्न तब भी बन जाएंगे जब आपके गाइड बुक से ये प्रश्न नहीं होंगे, तब भी। तो इसे आप बनाएंगे। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आज का आप स्क्रीनशॉट ले लें जो आज के टॉपिक्स हमने लिए हैं। ये आपका 81 यानी 81वां एपिसोड होगा और उसमें ये 8 टॉपिक्स हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और इसे आपको कंप्लीट करना पड़ना है। ये 8 टॉपिक्स दरअसल हम लोग जो कर रहे हैं, 5 टॉपिक्स रिवीजन के हैं और 3 टॉपिक्स 16 तक चलेगा नए हैं, ये हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक इसमें हमने लिया है वैदिक सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पुनः इंडेक्स को आपने अच्छे से किया है, इसे भी बहुत अच्छे से करें। ये 2 टॉपिक से 1 क्वेश्चन डेफिनेट है। और आपको हम बता दें कि आज के इस 8 टॉपिक से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल आप लिख लें, 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आप इस तरह से पढ़ें। वैदिक करना है आपको, बहुत डिटेल्स दिया हुआ है, अच्छा खासा इसमें कुछ पढ़ने को है। सारा आपको जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं, कौन से देवता के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं, इसे आपको समझना है। दूसरा टॉपिक हमने लिया है मॉडर्न इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कल किया, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगीज। आज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहीं कहीं किसी किसी गाइड बुक में 2 अलग अलग जगहों पे मिलेगा। एक जगह ये मिलेगा आपको पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों के साथ, और दूसरी जगह मिलेगा आपको बंगाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिलेशनशिप था, जो सारा खेल हुआ, वो वहाँ पे मिलेगा। मतलब दोनों 2-3 पेजेस के अंतर पे मिलेंगे। तो पेजेस हो सकता है अलग दिखे, तो आपको 2 जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना है। एक आपको यूरोपियन कंपनी के साथ, फ्रांसीसी, पुर्तगीज, डच के साथ, और बंगाल के साथ रिलेशनशिप अलग से फिर पढ़ना होगा। आसपास ही है दोनों, हमने पेज नंबर दे दिया है, बस पेज नंबर पे आप जाएं पढ़ लें ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि कुछ लोग बीच से देख रहे होते हैं तो उन्हें ये पता चले कि इस तरह के टॉपिक्स हैं, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आज का तीसरा टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ज्योग्राफी में ये टॉपिक हम लोगों ने पहले किया है, ये रिवीजन का टॉपिक है। आपको पृथ्वी की गतियां से पहले तक पढ़ना है, यानी ब्रह्मांड से जहां पर समाप्त होता है वहां से सोलर सिस्टम शुरू होगा। सोलर सिस्टम पृथ्वी की गतियां से पहले तक पढ़ना है आपको। सोलर सिस्टम यानी सूर्य, उसके सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें पढ़ने हैं। कौन सा पीला ग्रह है, लाल ग्रह है, कौन पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, कौन अधिकतम सर्वाधिक स्पीड के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है, ये सारे आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद साइंस में देखिए चौथा टॉपिक ये है आपका बायोलॉजी का प्लांट किंगडम। पढ़ना प्लांट किंगडम डिटेल से पढ़ना होगा, हालांकि इसी में आपको दिक्कतें आई, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा, लेकिन प्रयास करें। हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम इस पर एक छोटा सा क्लास भी आपको देते, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, काफ़ी कुछ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटी में 5वां टॉपिक जो रिवीजन वाला है, इसमें आपको पढ़ना है संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने कल किया संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग करेंगे
सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से हमने संविधान के अलग अलग पार्ट्स लिए हैं। दूसरा है आपको इसमें पढ़ना है अनुसूचियां और पार्ट्स, यानी शेड्यूल और पार्ट, ये डिटेल्स आपको पढ़ना होगा। सातवीं अनुसूची में क्या है, दसवीं अनुसूची में क्या है, शेड्यूल में क्या है, भाषा किस भाग में है, ये डिटेल्स आपको इसमें पढ़ना होगा। स्रोत अच्छे से आप पढ़ेंगे, इसमें एक दिन में नहीं होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें कॉपी में, इसे बार बार रिवाइज करना होगा, चूंकि सारी अनुसूची सारे पार्ट्स ये सब एक दिन में याद नहीं होंगे, इसे रिवाइज करना होगा आपको। उसके बाद आज जो तीन नए टॉपिक्स हैं उसमें आज का पहला टॉपिक साइंस से, फिजिक्स से हमने लिया है, मात्रक और विमा, यानी यूनिट और डायमेंशन। अब इतने सारे यूनिट्स हैं, यूनिट से क्वेश्चन आ ही जाता है फिजिक्स का ये टॉपिक। अब जूल किसका यूनिट है और किस से बनकर ये यूनिट बनता है, क्या यूनिट्स जुड़ जाएंगे तो जूल बन जाएगा, एक जूल बराबर वाट, तो ये सब वेक्टर स्केलर ये भी आपको समझना है। बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्रॉन में बहुत अच्छा है और यूनिक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा सा लूसेंट में हल्का है, लाइट है, लेकिन देखें आप, हम इसीलिए कहते हैं कि कम से कम लूसेंट और क्रॉन दोनों साथ आप रखें। उसका नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टॉपिक जो है, नया है आज का, समाचार पत्रों का विकास, पेपर जो अलग अलग जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस तरह से समाचार पत्रों का, किस तरह से राष्ट्रवादियों ने देसी समाचार पत्र निकाले और क्या क्या हुआ, कौन उसके संस्थापक थे, कहाँ निकला पहला हिंदी का, पहला अंग्रेजी का, किस राष्ट्रवादी ने कौन सा अखबार निकाला, उसके बाद अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट लाया, रजिस्ट्रेशन एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये सब सेंसरशिप एक्ट, तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप पढ़ें। और लास्ट में आज का जो नया टॉपिक है बिहार का, वो है खनिज, बिहार का खनिज, यानी जो मिनरल्स हैं बिहार में, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए, सोना जमुई में मिलता है, सोनो चकाई में मिलता है, उसके बाद मुंगेर में मिलता है बॉक्साइट, फिर आप पायराइट्स का हमने पढ़ा था कि पायराइट्स पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार में मिलता है, रोहतास जिले में, तो ये सब खनिज को आप पढ़ेंगे। तो ये आज के 8 टॉपिक्स हैं, आप इसे कंप्लीट करने का प्रयास करें जहाँ तक संभव हो, और कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट में पूछें, जहाँ तक संभव होगा हम जवाब भी देंगे। तो आज के ये 8 टॉपिक्स, उसके बाद तैयार रहें आज के क्वेश्चंस बनाने के लिए। उससे पहले फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, जो अगर देर से आप आए हैं चैनल पे, तो ये 8 टॉपिक्स आज के हैं, पेजेस दिए गए हैं, तो यहाँ तक आज का टॉपिक रहेगा, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें, टेक केयर।